दोस्तों, 2 दिन पहले ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और उसकी वजह से मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। तो अगर आज का रिव्यू आपको ज़्यादा पसंद ना आए उसके लिए माफ़ कीजिएगा। फिल्म कुली नंबर 1 1995 में आई थी, यानी आज से 25 साल पहले। गोविंदा उस वक्त अपने टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार होते थे। उनका डांस नए किस्म का था, उनका हेयर स्टाइल नए किस्म का था और एक्टर वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे। तो उस वक्त कुली नंबर 1 एक बहुत ही बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म 36 करोड़ में बनी थी और बॉक्स ऑफिस 130 करोड़ का हुआ था। गोविंदा को उसके लिए कई अवार्ड्स भी मिले थे। तो पहले मैं आपको उस कुली नंबर 1 की कहानी बताता हूँ। कादर खान साहब एक बहुत अमीर आदमी है जिनका नाम होशियार चंद है और वो समझते हैं कि उनसे होशियार आदमी दुनिया में दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। उनकी बेटी करिश्मा कपूर है। सदाशिव अमरापुरकर एक पंडित है जो शादियां कराने का काम करते हैं। वो एक लड़के को लेकर कादर खान के घर आते हैं करिश्मा कपूर का हाथ मांगने के लिए। कादर खान उनकी बहुत बेइज्जती करता है क्योंकि वो अमीर नहीं है। कादर खान पंडित जी को भी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। पंडित कहता है कि दोस्त मैं दोबारा आऊंगा जरूर, और पंडित अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेता है। वो देखता है कि गोविंदा एक बस अड्डे पे कुली है, तो वो गोविंदा को करिश्मा कपूर का फोटो दिखाता है। गोविंदा को जाहिर सी बात है वो बहुत पसंद आती है और पंडित कहता है कि मैं तेरी शादी इसी से कराऊंगा। अब वो गोविंदा को सिंगापुर के महाराज का बेटा बताकर कादर खान के घर लेके जाता है और करिश्मा कपूर से झूठ बोलकर शादी करा देता है। फिल्म में एक दूसरा ट्रैक भी है। कुलभूषण खरबंदा एक बहुत अमीर आदमी है जिसका जुहू में एक बहुत बड़ा आलिशान बंगला है जहां अक्सर शूटिंग हुआ करती है, और उसका बेटा है एक जो बहुत बड़ा निकम्मा है। वो बेटा अपने बाप को मारकर उसकी सारी जायदाद को हड़पना चाहता है, और क्लाइमैक्स में गोविंदा कुलभूषण खरबंदा साहब को बचा लेता है, इसलिए वो अपनी सारी जायदाद गोविंदा को दे देता है। यानी पंडित सदाशिव अमरापुरकर कादर खान से अपना बदला भी ले लेता है और गोविंदा सच में अमीर भी बन जाता है। इस वरुण धवन की कुली नंबर 1 की कहानी भी सेम टू सेम यही है, फ्रेम टू फ्रेम यही है, सीन टू सीन यही है, यहां तक के डायलॉग्स भी वही हैं और म्यूजिक भी वही है। तो अब मैं इस फिल्म के बनाने वालों डेविड धवन, बेटे रोहित, बेटे वरुण और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी से पूछना चाहता हूं कि सर, अगर 25 साल पुरानी कहानी ऐसी की ऐसी ही आज चल सकती है, सुपरहिट हो सकती है, तो फिर आप जरा मुझे ये बताइए कि आज के नए राइटर्स की जरूरत क्या है, आज के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनकी जरूरत क्या है, डायरेक्टर की भी क्या जरूरत है, क्योंकि वही सेम टू सेम फिल्म अगर बनानी है तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी उसको शूट कर सकता है, और फिर तो हजारों फिल्में बनके हिट हो चुकी हैं, तो उन सब फिल्मों को दोबारा बना दिया जाए और बात खत्म है। इस फिल्म की कहानी 95 में पब्लिक को कन्विंस कर पाई थी वो इसलिए कि उस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था, यूट्यूब गूगल वगैरह तो छोड़ ही दीजिए। आज अगर कोई जैकी भगनानी से मिलना चाहेगा तो पहले जैकी भगनानी के बारे में गूगल पे पता करेगा कि जैकी भगनानी कौन है। तो फिर आज एक आदमी को ऐसे ही आकर बता दिया जाए कि सिंगापुर के महाराज का बेटा है, ये पब्लिक को कैसे कन्विंस कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फिल्म के बनाने वाले जीनियस है, ये जीनियस नहीं एक्चुअली, ये अकल से पैदल है। ना इनको फिल्मों के बारे में कुछ पता है और ना ही इनको पब्लिक के बारे में कुछ पता है कि पब्लिक क्या देखना चाहेगी, आज क्या चलेगा या क्या नहीं चलेगा। पहली कुली रूमी जाफरी साहब ने लिखी थी, तो यहां भी राइटर में रूमी जाफरी साहब का ही नाम है, बट पहली कुली के डायलॉग्स जो थे वो कादर खान साहब ने लिखे थे, और कादर खान साहब अपने वक्त के बहुत बड़े राइटर थे। कादर खान साहब की जगह यहां डायलॉग्स लिखे हैं फरहाद शाम जी ने, जिनको बिल्कुल अता पता नहीं है कि राइटिंग किस चिड़िया का नाम है। इस फिल्म में फरहाद भाई ने एक छोटा सा रोल भी किया है प्लम्बर का। फरहाद भाई बिल्कुल सही किया है, क्योंकि एक्चुअली आपका वही सही काम है, राइटिंग से आपका कोई वास्ता मतलब नहीं है दोस्त। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही वाहियात हैं, बहुत ही बेहुदा हैं।
वैसे ही हैं, बस जैसे फरहाद शामजी लिखा करते हैं वही पुराने गाने हैं। उस फिल्म में म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद साहब ने, अब उन्हीं गानों को दोबारा नए म्यूजिक डायरेक्टर से बनवाया गया है। तो मेरी समझ में बात यह नहीं आई कि जब वही गाने रखने थे तो फिर नए म्यूजिक डायरेक्टर से क्यों बनवाया गया, तो फिर उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर से उन पे दोबारा काम करा लिया गया होता तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। खैर, इन 25 साल पुराने गानों से आज की न्यू जनरेशन का कोई लेना देना नहीं है। कास्टिंग किसने की है मुझे पता नहीं है, बट जिसने भी की है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। उस भाई को कास्टिंग का बिल्कुल ABCD पता नहीं है। आप अगर उस फिल्म में देखेंगे तो करिश्मा थी और उसकी बहन कंचन थी और दोनों बहनें लगती थी। यहां सारा अली खान है और एक और कोई बहुत मोटी सी लड़की है जो बहन बिल्कुल भी नहीं लगती। कादर खान साहब की जगह परेश रावल है, जाहिर सी बात है दोनों का कोई मैच नहीं है। शक्ति कपूर का रोल राजपाल यादव ने किया है, राजपाल की हाइट देखिए और शक्ति कपूर की हाइट देखिए आप। सदाशिव जी का रोल जावेद जाफरी ने किया है, सदाशिव अपने टाइम के बहुत बड़े एक्टर थे, जाहिर सी बात है जावेद भाई उनका रोल कर ही नहीं सकते थे। गोविंदा के दोस्त का रोल हरीश कुमार ने किया था और गोविंदा और हरीश कुमार दोनों बहुत अच्छे लगते थे साथ में। यहां वरुण धवन के दोस्त के रोल में एक गेंडे जैसे लड़के को कास्ट किया गया है जो दोस्त कम और पहलवान ज्यादा लगता है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो मुझे इस बारे में खुद बात करते हुए शर्म आ रही है। मुझे पता नहीं कि वरुण धवन को शर्म क्यों नहीं आई। आप 95 की कुली देखिए और गोविंदा का रोल देखिए, गोविंदा की एक्टिंग देखिए। गोविंदा ने उसमें दो रोल निभाए थे, एक नॉर्मल गोविंदा और एक कुली गोविंदा। नॉर्मल गोविंदा ने नॉर्मल बात की थी और कुली वाले कैरेक्टर में गोविंदा ने थोड़ी भाईगिरी स्टाइल में बात की थी और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की थी गोविंदा ने। यहां वरुण धवन की प्रॉब्लम यह है कि ना तो उनकी बॉडी गोविंदा जैसी है, ना उनकी पर्सनैलिटी गोविंदा जैसी है, ना ही उनको एक्टिंग आती है। तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल रोल है उसमें वरुण ने वैसे ही बोला है जैसे वो बोलता है, लेकिन जो कुली वाला रोल है उसमें क्या बोले। मेरे ख्याल में डेविड साहब ने कहा होगा कि भाई अब बताइए आप कुली वाले रोल में कैसे बोलोगे, और उसने दो चार चीजें ट्राई की होंगी, जाहिर सी बात है कुछ कर नहीं पाया होगा। तो डेविड ने वरुण से कहा होगा कि बेटा तेरे को एक्टिंग वैक्टिंग तो आती नहीं है, अब तू ऐसा कर तू किसी एक्टर की नकल कर ले। अब सबसे ईजी नकल किसकी है जिसमें लोग तेरे पे हंसे नहीं। तो जाहिर सी बात है वरुण ने कहा होगा कि डैडी मैं मिथुन दा की एक्टिंग करता हूं, तेरी जात का बेदा मारूं। तो बस उस कुली वाले रोल में पूरी फिल्म में वरुण मिथुन दा की नकल कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो नकल इतनी गंदी है कि बहुत ही इरिटेटिंग लगती है, बहुत ही गुस्सा आता है। वरुण भाई आप जरा मिथुन साहब के पास आज भी खड़े होकर देखिए, वो बूढ़े हो चले हैं बट आज भी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनका कदकाठी ऐसा है कि उनके पास खड़े होकर आप उनके नौकर ही लगोगे। तो एक दफा शीशे में मिथुन दा की एक्टिंग करके देख लिया होता और अपने आप पे थू-थू कर लिया होता खुद ही तो ज्यादा अच्छा होता। और मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब आपसे हो नहीं पा रहा था, ना तो नॉर्मल वाला रोल आपसे हो रहा था, ना ही कुली वाला रोल आपसे हो रहा था, तो आपने डैडी से यह कह देना चाहिए था कि डैडी मुझसे यह फिल्म नहीं हो पा रही है, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं यार, तो आप इस फिल्म को मत बनाइए। बट डैडी को मना कैसे करते, डैडी तो लंबा माल ले चुके थे। खैर, तो वरुण की एक्टिंग इतनी खराब है, इतनी घटिया है कि जो भी देखेगा वो थू थू ही करेगा। और डेविड धवन साहब ने एक तरह से बहुत ही बड़ा अन्याय किया है कि अपने बेटे को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। कादर खान साहब वाला रोल परेश रावल ने किया है और परेश रावल साहब ने भी बहुत निराश किया है, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है, वो अपने रोल में कहीं भी अच्छे नहीं लगे हैं। राजपाल यादव तो शक्ति कपूर का 5% भी नहीं है। करिश्मा की जगह यहां सारा अली खान है और सारा अली खान ने एक बार फिर बहुत ही निराश किया है। उनकी पिछली फिल्म लॉ आजकल में पता चल गया था कि उनको एक्टिंग नहीं आती है और यहां एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया है कि उनको एक्टिंग नहीं आती है, उनको एक्टिंग सीखने की जरूरत है। वो करिश्मा कपूर के 5% भी नहीं कर पाई है। बाकी सभी एक्टर्स ने भी बहुत बुरी एक्टिंग की है, बहुत निराश किया है।
डेविड धवन साहब का डायरेक्शन बहुत ही खराब है। यहां मैं आपको ये बता दूं कि डेविड धवन साहब का नाम होता है बट डायरेक्शन उनके बेटे रोहित धवन भी उनके साथ करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म भी दोनों ने मिलकर बनाई है बट दोनों का डायरेक्शन बहुत ही खराब है। दोनों ने ही बहुत निराश किया है, वो फिल्म के किसी भी डिपार्टमेंट को सही से हैंडल कर ही नहीं पाए। मेरे ख्याल में एक्टर्स, डायरेक्टर्स और बाकी सब लोगों को शूटिंग के 2-3 दिन के बाद ही पता चल गया था कि उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, वो एक गलत फिल्म पे काम कर रहे हैं और बस अब भलाई इसी में है कि जब शुरू कर दी है तो फटाफट खत्म करके निकल लेते हैं जैसी बनती है जो भी बनती है। 95 की कुली का एक्शन उस वक्त के हिसाब से बहुत बढ़िया था, लोग बहुत एंजॉय करते थे, तालियां बजाते थे। इस फिल्म का एक्शन आज के हिसाब से बहुत ही खराब है जिसको देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट बना क्यों और कैसे बना। देखिए, वासु भगनानी साहब हैं, वो अपने बेटे को प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं, बड़ा प्रोड्यूसर, और उनके पास कुछ बहुत ज्यादा पैसे हैं जिनको उनको खर्च करना ही है, तो उनको कैसी भी फिल्म मिल जाए, कोई भी फिल्म मिल जाए, बस उनको वो पैसे खर्च करने हैं। तो खैर, वासु जी और डेविड ने डिसाइड किया कि भाई कुली नंबर 1 को दोबारा बनाते हैं। और मुझे याद है कि वासु जी और डेविड धवन JW मैरियट में मिले, दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मैं भी वहां चला गया, मैं भी बैठ गया, तो डेविड धवन साहब बिल्कुल मेरे सामने थे। उन्होंने मुझे देख करके कुर्सी थोड़ी आगे कर ली ताकि मैं नहीं दिखूं, क्योंकि उनको लगा तो होगा कि मुझे खबर तो हो गई कि आखिर वासु जी और डेविड जी वहां कर क्या रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि JW के सामने ही वासु जी का ऑफिस है, तो वो चाहते तो दोनों ऑफिस में मिल सकते थे बट वो JW में मिले, क्योंकि डेविड ने कहा होगा कि मैं आपके ऑफिस नहीं आऊंगा, वासु जी ने कहा होगा मैं आपके ऑफिस नहीं आऊंगा, दोनों ने एक दूसरे को अपना एटीट्यूड दिखाया होगा। खैर, डेविड जी फिल्म बनाने के लिए राजी हो गए। डेविड जी ने अपनी फीस रख दी 15 करोड़, बेटे रोहित धवन की फीस रख दी 10 करोड़ और वरुण धवन की फीस रख दी 40 करोड़, यानी तकरीबन हो गया टोटल 65 करोड़। ये बात वासु जी ने जैकी को बताई होगी, जो बहुत ही होशियार चंद है, वो भी कादर खान की तरह है, वो समझता है कि उससे ज्यादा होशियार आदमी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, और हकीकत में नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो होशियार चंद नहीं होता तो मेरे ख्याल में आज वो वरुण धवन से बड़ा एक्टर होता, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत वरुण धवन से ज्यादा अच्छी है। खैर, जब डेविड धवन साहब ने तकरीबन 65 करोड़ ले लिए थे तो फिर ये दिखाना भी जरूरी था कि भाई मैं और भी बहुत बड़े बड़े लोगों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ूंगा, तो वो फरहाद शामजी को लाए डायलॉग्स लिखने के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि लोग फरहाद को काम क्यों देते हैं जबकि उनको तो लिखना आता ही नहीं है, इसलिए देते हैं। लोग ये कहते हैं कि इस बेचारे का बेटा जो है वो पागल है तो इसकी हेल्प करनी है। भाई, उसकी अगर हेल्प करनी है तो उसको 2-4 करोड़ रुपए दे दो, अपनी फिल्म को बर्बाद क्यों कराते हो उससे लिखवाने के बाद। फिर वही पुराने गाने नए म्यूजिक डायरेक्टर से बनवाए गए, उनको भी पैसे बांटे गए, और इस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कारनामा 150 करोड़ में बना है। कुल मिलाकर यह फिल्म टॉर्चर नंबर 1 है, घटिया नंबर 1 है, वाहियात नंबर 1 है। डेविड धवन साहब का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, उन्होंने अपनी ही एक जबरदस्त फिल्म की इतनी घटिया कॉपी की है, उन्होंने अपनी ही एक इतनी बेहतरीन फिल्म को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, उन्होंने अपने ही बेटे के करियर को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम खराब ना हो, आपको सरदर्द की गोलियां ना खानी पड़े, आप अपने ही घर में बैठकर टॉर्चर से बच जाएं, तो आप इस फिल्म को अवॉइड करें, और मैं कहूंगा कि 95 की कुली नंबर 1 देख लें। मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार, क्योंकि जितनी खराब मैं समझ रहा था यह उससे भी ज्यादा खराब है। सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर ले और शेयर जरूर करें, और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वो जो घंटी है उसको दबा दो ताकि जैसे ही मैं रिव्यू डालूं आपको पता चल जाए। टेक केयर दोस्तों।